का बफेलो मास्क मैंने काफी टाइम से सोच के रखा था कि बफेलो मास्क लेना है लेना है लेना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी राइडर गन्नू। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं, मतलब नाम थोड़ा चेंज किया है। कुछ दिवाली पे शॉपिंग वगैरह की थी एंड मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है कि वीडियो नहीं आया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है कि वीडियो अपलोड नहीं करा है। कल वो तो शॉपिंग करी है तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि क्या क्या लिया है एंड क्या प्राइस में लिया है, एंड उन सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। आप चाहो तो वहाँ से बाय भी कर सकते हो। जो मेरे को चाहिए था, मैं काफ़ी टाइम से मैंने सोच के रखा था, वो मैंने ले लिया है आखिर में। एंड काफ़ी टाइम से MT15 के लिए बफेलो मास्क मैंने देख के रखा था, बफेलो मास्क मेरे को लेना था। एंड जब स्टार्टिंग में गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे बफेलो मास्क थोड़े टाइम के बाद निकला तो 15,000 के आसपास था। एंड अभी थोड़ा बहुत प्राइस उसका गिरा है, सस्ता है, तो मैंने वो परचेस किया, बाय किया, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हेलमेट अमेजोन से मैंने बाई किया है, स्टील वर्ड का हेलमेट है। एंड ये मेरे को ऑलमोस्ट 2000 में पड़ा। तो चलो देखते हैं कैसा है हेलमेट। तो ऐसा है कुछ हेलमेट, ये भी देखना ज़रूर एमटी राइडर गन्नू चैनल का। मैंने जैसे आपको बताया नाम चेंज करा है मैंने, थोड़े बहुत चेंजेस हुए आपको वीडियो में पता चल जाएंगे। एंड ये स्टील बट का हेलमेट है एंड इसको इसका वाइज़र यहाँ पे मतलब स्विच दिया हुआ, बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करते वाइज़र ओपन हो जाएगा ऐसे। एंड इसको क्लोज करना है तो सिंपल एंड ईजी है, इसको बस ये लॉक हो जाएगा एंड इसको प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा। एंड इसका इजीली वाइज़र भी चेंज कर सकते हैं, इसका इसकी मतलब एक 7 कलर्स वाला वाइज़र आया एंड वाइट कलर का भी एक वाइज़र आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वाइट वाइज़र, चलो देखते हैं कैसा, मैंने भी देखा नहीं है अभी तक, बट आया तो वाइट वाइज़र के साथ ही आया था हेलमेट, मैंने चेंज किया। इजीली अपन चेंज कर सकते घर पर ही चेंज कर सकते, तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा है कुछ ये इसका वाइज़र, और ये मतलब यहाँ पे यूँ लगेगा इसके साथ में ही, मतलब नहीं सॉरी गलत लगा, ये बंद करेंगे अपन, इसके बदले ये यूँ लग जाएगा ऐसे। तो इसका हो गया एंड मैं आपको बता देता हूँ इसको चेंज कैसे करना रहेगा। ये सिंपल एंड इजी है चेंज करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये स्विच दिया है, इसको प्रेस करना होता है। अभी तो मैं चेंज नहीं करके बताऊँगा आपको, बट ऐसे सिंपल बता देता हूँ ताकि आप चेंज कर सको। ये पहले यहाँ से वाइज़र थोड़ा रिंग खोलने का, फिर थोड़ा सा नीचे करके इसको यूँ प्रेस करके, और यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में इसको दिए, इसको ज़ोर से खींचने का इसको आगे प्रेस करके, तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया, मेरे को 7 कलर्स वाला लगाना था इसीलिए। तो चलो आते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की। तो ये है इंटरकॉम का बॉक्स, मैंने ऑलरेडी मतलब फिट कर लिया है मैंने अपने हेलमेट में। ये मुझे पड़ा 2100 का इंटरकॉम पड़ा, हेलमेट से थोड़ा महंगा पड़ा मेरे को, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं अपन, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको पता ही होगा अंदर माइक दिया हुआ है ऑलरेडी आके फेस के यहाँ पे, तो आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हो। माइक अडेप्टर तो चाहिए ही होता है, वो आपको पता ही है, गाने सुन सकते हो, कॉल पिकअप कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ऑटो पिकअप कॉल है, कॉल आएगा तो मतलब ऑटोमेटिकली कॉल पिकअप हो जाएगा, मतलब अगर बाई चांस किसी को नहीं उठाना हो कॉल तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे किसी का कॉल नहीं आता है जिसका मैं कॉल पिकअप नहीं करूँ, मैं ऑलमोस्ट सबका कॉल पिकअप करता हूँ इसीलिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये 2100 में, एंड कैसे फिट हुआ एंड कैसे ऑपरेट होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ऐसा कुछ है इंटरकॉम, मैंने राइट साइड में फ़िट किया है एंड मैं दिखा देता हूँ अंदर का। ये रहा इसका ये माइक एंड ये पैडिंग्स निकलती है, ये इसका माइक है एंड इसकी पैडिंग्स निकलती है, अंदर एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, इस साइड दोनों साइड फिट हो जाते हैं, अंदर दिख रहा नहीं होगा बट अच्छे से फिट हो जाता है। क्वालिटी इज सुपर, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड इसको ऑपरेट, ये बीच वाला बटन है, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है। ये ऑन हो चुका है जैसे आप देख रहे हो, लाइट जल रही है इसमें। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मोबाइल से, तो मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ।
हाँ तो गाइस ये रहा, मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, ब्लूटूथ ऑन कर लिया है मैंने, एंड ये भी ऑन हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ ऑन एंड ये आ गया BT10, BT10 का ये कनेक्टिंग हो रहा है। हाँ अब ये देखो इसमें आ गया है, बैटरी 100% बता रहा है, इन यूज़ फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक। ओके तो मैं आपको इसकी वॉइस भी सुना देता हूँ, काफ़ी अच्छी वो वॉइस क्वालिटी है इसकी, बाहर भी थोड़ा बहुत वॉइस मतलब साउंड आता है सॉन्गों का अपन सुनते हैं। तो मैंने वो सॉन्ग चालू कर दिया है, अब इसमें वॉल्यूम मैं फुल कर देता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने ये कनेक्ट कर लिया है एंड सॉन्ग भी बज ही रहा है, आपको मैं सुनाता हूँ। आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा बट हाँ वॉइस क्वालिटी आप इतना समझ गए होंगे, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, मस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसको रखते हैं साइड में एंड दूसरी चीज़ मैंने जो परचेज करी उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया आपको कि इंटरकॉम के साथ मतलब मेरे को क्या क्या साथ में आया है। एक तो मेरे को ये पता नहीं जो आता है ये आया है एंड इसका चार्जिंग केबल आया है, एंड्रॉइड चार्जिंग केबल आता है जिससे मतलब इंटरकॉम चार्ज होता है। वो चार्ज वो पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मैं लेके आता हूँ। तो ये है इसका वायर जिससे चार्ज होता है, ये एंड्रॉइड का है एंड ये USB केबल है तो इससे चार्ज हो जाता है इंटरकॉम। एंड गाइस मैंने ये माइक लिया था ये वाला, ये मुझे पड़ा था 300 का पड़ा था। नॉर्मली ब्लॉग बनाता हूँ तो थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं है मुझे कैसा है, इसी से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा दिखाया गया सेम वैसा ही आया है, काफ़ी अच्छी मतलब रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बोले कि वैल्यू फॉर मनी। हाँ तो माइक लगा हुआ ही है, थोड़ा अवॉइड करना है एक्चुअली, कैमरे में थोड़ा दिख रहा है तो यही है माइक, मतलब दिख रहा होगा आपको 300 का है, कुछ इतना खास नहीं है, मतलब अच्छा है 300 में ब्लॉग के लिए। आप नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हो आप लोग तो अच्छा है, ले सकते हो। उसके रिव्यूज़ देखने के बाद ही मैंने लिए, मुझे सही लगा इसीलिए मैंने परचेस करा, 300 का मुझे ये पड़ा। तो अब नेक्स्ट आते हैं अपन ट्राईपोड पे। तो ये ट्राईपोड भी मैंने लिया था, ये मुझे 600-700 का पड़ा, कुछ ऐसा है, देख लीजिए आप, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी भी, 600-700 का मुझे ये पड़ा। एंड मैंने आपको बताया जैसे माइक भी मैं बोला सोचा आपको दिखा दूँ, ये माइक है एंड ये भी मतलब ओपन होता है ऐसे करके, इसको खींचते तो ये ओपन होता है ऐसा माइक है। आप विदाउट इसके भी यूज़ कर सकते हो बट ये लगा लेना चाहिए, डस्ट वस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब डस्ट अंदर नहीं जाएगा, सेफ्टी रहती है थोड़ी बहुत, तो काफ़ी अच्छा है ये। मैंने ये सब मंगाया था, ट्राईपोड है, माइक है, हेलमेट है, इंटरकॉम है। तो बस अब लास्ट चीज जो ये बची है MT15 का बफेलो मास्क। मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि बफेलो मास्क लेना है, अब जाके मैंने बफेलो मास्क लिया है। बहुत महंगा मिल रहा था स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास मिल रहा था ये, तब ये बाइक लॉन्च हुई थी एंड फर्स्ट टाइम बफेलो मास्क आया था, तब बहुत महंगा मिल रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के लूँगा, थोड़ा अपना बजट में भी आ जाए। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे को ये 2530 में मेरे को पड़ा है, काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो ये है, ऐसी कुछ लग रही है अपनी MT, काफ़ी अच्छी लग रही है एंड मैं आपको बता देता हूँ ये इजी एंड फिट है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि मतलब मैंने ये बफेलो मास्क कैसे फिट किया मैंने, तो फिर मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बना दूंगा, बट ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे फिट हुआ। पहले तो अपने जो हेड पे चार नट आते हैं ये चार नट निकालने पड़ते हैं, ये दूसरे इसके नीचे आते हैं चार नट, वो निकाल के मतलब ये लगानी पड़ती है, सॉरी निकालना गया, ये लगाना पड़ता है, उसके ऊपर बफेलो मास्क फिट होता है, ये चार नट यहाँ पे फिट हो जाएंगे एंड इसके साथ जो क्लैंप दिया होता है, ये क्लैंप दिया ही होता है ऑलरेडी, आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे ये तो ये फिट होता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये ऐसे क्लैंप है जो इसमें इधर फिट हो जाता है एंड इसमें ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे ये कोई चांसेस ही नहीं है गिरने का, इतना काफ़ी अच्छा मतलब सिर्फ MT के लिए बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। एंड इस साइड भी ऐसा है, एक साइड ऊपर लगता है एंड एक साइड नीचे लगता है, क्लच के यहाँ पे ये नट खुलता है एंड ये ऊपर लग के सेम ये भी इसी साइड ऐसे फिट हो जाएगा।
तो मैंने ये MT15 में ये इंस्टॉल कर लिया है। काफ़ी टाइम से सोचा था मैंने ये लेने का ही करके, बट ले नहीं पा रहा था मैं। थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दिवाली में कुछ शॉपिंग करना ही था, तो मैंने बोला सब साथ में मंगा ही लेता हूँ। अभी मंगा लिया मैंने एंड इंस्टॉल भी कर लिया। बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये है रूसेल, हेल्प करवा रहा है मेरी काफ़ी। एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि आप लोग वीडियो देखते हो। मैंने वीडियो के एनालिसिस में देखा मैंने कि ना 60-70% लोग वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब तो दूर की बात है, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो ऐसा मत करो यार, मतलब वीडियो देखते हो आप तो अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। बस देख के ऐसे ही मत चले जाया करो, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें भी। देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।